सर को स्क्रीन पे लेके आइएगा। प्रकाश सर, आज आपकी कॉल जब जब देख रहा हूँ ना, तो हंसी भी आ रही है और गर्व भी हो रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आपके पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन आपने कॉल भी दी थी। इसने भी चलने के लिए बड़ा दुर्लभ सा हफ्ता पिक किया है, है ना? जब डिमांड कम है, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्यू अभी क्या है आपका और फ्रेश कॉल क्या है आपके? यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो आज तो बहुत ही चला, देखिए इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, वो मुझे पसंद है। मैं कहूंगा कि जो इसके जो लेवल्स हैं, एक मिनट, यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो ये जो मेरे पास जो है उसका, मेरे ख्याल से मेरा टारगेट करीब 1500 से 2000 का है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 1250-1100 हो सकता है, लेकिन व्यू लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट नहीं, क्योंकि 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। आज एक ब्रेकआउट चाहिए था 1160 में, वो मिल गया, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। मेरा व्यू थोड़ा लंबा ही है और, तो मैं तो उसको होल्ड ही करूंगा, लेकिन यस, इट्स इन बाय मोड यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, यूएसएल एक बाय मोड में, ये एक बाय साइड का ट्रेड है कावा साहब का। वाह, ये फिलहाल पहले सुबह वाला ट्रेड कावा जी, फिर आज का इस समय दोपहर का नया ट्रेड क्या रहेगा? मेरे ख्याल से आरती इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, इसमें अभी मोमेंटम है, ट्रेड करा 735 के आसपास, 750 एक नियर टर्म टारगेट है, आज फ्राइडे तक हो सकता है स्टॉप होगा 720, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, 750 यस जाना है, लेकिन मुझे लगता है ये 800 की तैयारी कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज, मैटर ऑफ टाइम, जाना चाहिए वहां पर, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक की बात कर सकते हैं, लेकिन यस आरती इंडस्ट्रीज को। आरती इंडस्ट्री 735-70 पे आपका बाय कॉल है। अगला ट्रेड पिक करते हैं मानस जी के साथ। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? वीरेन जी, देखिए पीवीआर पे नजर है, पीवीआर में एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, आई थिंक अब यहाँ से कम 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टच कर सकता है, इसलिए पीवीआर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1394 के स्टॉप लॉस से 1455 रुपए तक के टारगेट आपको पीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। 1420 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है वो ऑप्शन, 29 रुपीज के स्टॉप लॉस, उस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और 60 रुपए के टारगेट, 60 रुपीज तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो पीवीआर में एक ट्रेड मानस इस समय ले रहे हैं, तेजी वाला कॉल 1420 का आप लेकर चले। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? स्टॉक ने आज के सत्र में अपने प्रीवियस दो दिन के हाई को क्रॉस किया, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, और अगर हम ऑप्शन का डेटा देखें तो 170 की कॉल और इन द मनी कॉल और थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल में भी अनवाइंडिंग हो रही है काफी अच्छे तरह से, तो आईओसी बाय करें, इसमें नियर टर्म 2-3 दिनों का मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा रहेगा, 170 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 179 के टारगेट्स रहेंगे। और आईओसी तीन कॉल्स हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके स्क्रीन पे एक चीज रखना चाहूंगा, और जो मोमेंटम जनरेट कर रही है, जो ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं, नजर रखिएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर अल्टीमेटली, क्योंकि वो आप इंडेक्स ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट एसबीआई, केनरा बैंक, पीएनबी सब एक थ्रस्ट जनरेट करते हुए आप स्क्रीन पे लेके आएंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक इंट्राडे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, हालांकि वो ट्रांसलेट अभी तक निफ्टी बैंक पे नहीं हो पाया है, बट स्विंग आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एसबीआई, पीएनबी लेके आइएगा एक बार, केनरा बैंक लेके आइएगा, सारे स्विंग्स आते हुए। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन, आपने बस मेरा काउंटर बोल दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे एसबीआई का चार्ट देखें तो जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए तो ये क्लियर कट बाय है, तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो टारगेट बन रहा है वीरेन जी, वो करीबन करीबन 790-795 का बनेगा, सो एट अ लेवल ऑफ 774 इन फ्यूचर इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 768 पे, तो इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये फिलहाल एसबीआई में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है ट्रेड की। अब विकास, आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं समय के लिए? गुड आफ्टरनून
देखो ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है, बहुत सारे काउंटर अभी भी एक अच्छे मोड पे यहाँ पे देखने मिल रहा है। आईटीसी के बारे में भी बात हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है आईटीसी यहाँ पे जो 200 डीएम है उसकी तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 445-450 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है आईटीसी में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 424 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिला है। कल से दो ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि उसी सपोर्ट से यहाँ पे पुल बैक रैली देखने मिल रही है। तो मेरा पहला कॉल रहेगा आईटीसी बाय 450 के टारगेट के लिए। दूसरा, मैंने कल भी 10 बजे के शो में आरती इंडस्ट्री को रिकमेंड किया था, तब 720 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी उसी को ही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है अभी भी इसमें पोटेंशियल है 750-770 के आप ऊपर जाने की। तो 770 के टारगेट के लिए यहाँ पे आरती इंडस्ट्री को बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस देना है वो 718-715 एक बेस बना चुका है, तो उस पे 715 के स्टॉप लॉस उसको बाय करना है। 770 का मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को। ओके, आरती इंडस्ट्री 738। आरती एक स्टॉक और पसंद दो है इस वक्त। ये प्रकाश गावसर की कॉल भी है और यहाँ पर आपका रिव्यू है। अब एक फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव लेते हैं। आज बाजार में मेटल्स में, केमिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है और इनफैक्ट लिकर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है। गौरांग नमस्कार। गौरांग, एक तो मार्केट की रीडिंग क्या कर रही है, और क्योंकि मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ इस वक्त क्योंकि अब एग्जैक्टली इससे अगला सेशन जब हम आएंगे तो अर्निंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए अभी आप क्या ग्रैब करना चाहेंगे बाजार में, इस प्राइस पर क्या अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में भारतीय एयरटेल 1220 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ वीरेंद्र, तो लंबी अवधि के लिए समय सीमा होना अनिवार्य होगा। और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 1400 के पार के लक्ष्यांक नजर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नतीजों के आधार पर आपको अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। और बाजार में मेरे ख्याल से अगर हमने जो सर्वोच्चम ऊंचाई बनाई थी निफ्टी स्पॉट पर, अगर हम वो पार करके टिक जाते हैं तो ऊपर के तरफ के दायरे स्वाभाविक है वो और खुल जाते हैं, लेकिन उसको पार करने में थोड़ी बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कल छुट्टी है, एक छोटा हफ्ता है, और अगले हफ्ते भी बुधवार को छुट्टी है और नतीजों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि नतीजों के आधार पर कंपनी स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत आती हुई दिखाई देगी। अब कंपनी स्पेसिफिक